न्यूज 36 के दिखैया जम्मू संगवारी मनला रामनगारची के जय जोहार। संगवारी हो, आप मन देखत हो छत्तीसगढ़ के पहली संपूर्ण छत्तीसगढ़ी चैनल न्यूज 36 छत्तीसगढ़ की आवाज। और मैं आप सब जन के स्वागत करत हूँ आज के हमार खास कार्यक्रम नोनी कमाथे नाम मा। तो संगवारी हो, जैसे कि आप मन जानत हो नोनी कमाथे नाम मा हमन आप मन सो ऐसे बेटी या ऐसे लोगन मन सो भेंट कराथन जे मन अपन समाज में नाम कमाए के संगे संग समाज के बाहर में भी अपन नाम ला बगरावत हवे। तो आज के हमार जो नोनी कमाथे नाम के जो कार्यक्रम है वो माँ जो यहाँ मेहमान बन के आए हैं वो हर संगीता सोनी जी है। आओ चलथन ओकरे करा और जानबो कि कहाँ के रहैया है और कैसे वह अपन क्षेत्र के अलावा समाज के बाहर में भी नाम ला बगरावत हवे। तो दीदी सबसे पहले आप मन ला बहुत बहुत स्वागत है हमन के न्यूज 36 के खास कार्यक्रम नोनी कमाथे नाम में। दीदी हमारे दर्शक जानना चाहते कि आखिर आप मन कहाँ के रहैया और आप मन के शिक्षा कहाँ से ग्रहण करे ओकर बारे में बताइए थोड़ा। सबसे पहली तो सबो संगवारी मन ला जय जोहार, नमस्कार, प्रणाम। मैं संगीता कृष्ण कुमार सोनी, बलौदा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और वर्तमान अपन बलौदा नगर के पार्षद हूँ। मैं हर अपन पढ़ाई मोर मायके अकलतरा हरे और उहे ले मैं हाँ कॉलेज बीए फर्स्ट ईयर के पढ़ाई अपन पूरा करे हूँ। जैसे कि दीदी आप मन बताया कि अभी आप मन ब्लॉक कांग्रेस के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हो महिला में, तो ये बताइए कि ये जो ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष आप मन बने हैं तो राजनीति के क्षेत्र में आए कि आप मन की शुरुआत कहाँ ले हुई, खबर की एकर पहली राजनीति के पहली तो आप मन घर संभालत रहे हुई है, तो ऐसे का आप मन के मन में विचार है कि अब हम अल्लाह घर के जो चूल्हा चौकी है ओला थोड़ा सा रोक करके आगे बढ़ के अब राजनीति के क्षेत्र में आगे आना चाहिए, थोड़ा उसके बारे में बताइए। सबसे पहली तो मोर शुरुआत होए बहुत काफ़ी दिन हो गए हैं, अब एकर शुरुआत करे बर मोला प्रोत्साहन मोर पति के माध्यम से होइस। मोर पति बोलिस कि महिला ल भी आगे बढ़ना चाहिए, मैं पुरुष हूँ, मैं जब आगे बढ़त हूँ तो महिला भी आगे बढ़े, तो हूँ आगे बढ़ घर से निकल चूल्हा चौकल छोड़बे आगे बढ़बे त एक जन आगे बढ़बे तो दूसरैया त चार जन महिला ला आऊ आगे बढ़ाए सकबे। ऐसे करत करत हमन के जो महिला शक्ति है ओला त मजबूत करे सकबे करके मोर पति के माध्यम से मैं यहाँ तक के आज पहुँच पाए हूँ। सबसे पहले तो मैं पार्षद बने ब्लॉक अपन बलौदा नगर माँ वार्ड नंबर 7 में मैं पार्षद बने। 50 साल में जिन वार्ड में कांग्रेस के सरकार नहीं आ रही, कांग्रेस पार्टी नहीं जीत हो रही से ओमा मैं जीत हासिल करें, ओकर बाद में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने, जेकर से मैं अपन ब्लॉक में अपन ग्राम में अपन नगर में विकास कार्य ला आगे बढ़ा सकूँ, सब कोई के मदद कर सकूँ, सहयोग कर सकूँ, एकर लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहूँ, हमेशा प्रयास करूँ कि मैं ककर ककर कैसे कैसे मदद कर सकूँ और सबके मदद करे व मैं तत्पर रहूँ आगे रहूँ। दीदी ये जानना चाहते हैं कि अक्सर ये बोला जाता है कि कोई एक सक्सेसफुल आदमी है या कोई महिला है तो ओकर पीछे ककरो ना ककरो मदद रहते, ककरो ना ककरो एक हाथ होते करके, और आज आप मन एक महिला हो के नाते ये ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने हैं, तो का लगते हैं आप मन लगाकर मदद से आप मन ये क्षेत्र में ये मुकाम में आज पहुंचे हो। सबसे पहली तो पार्षद बने हो वो तो मैं अपन पति के माध्यम से ही बने हूँ, लेकिन जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने हो वो ओकर श्रेय मैं देना चाहता हूँ। जो कमेटी जो हमन के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जो संगठन है ओकर द्वारा मैं यहाँ बन पाए हूँ, आज यहाँ तक के मुकाम में है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जो संगठन प्रभारी है, जो संगठन है मेन संगठन है ओकर माध्यम से मैं पहुँचे हूँ। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के आप मन अध्यक्ष बने हो, अभी अभी बने हो, तो आप मन लग कितना खुशी हुई सोमेर कि जब आप मन लग इतना बड़ी जिम्मेदारी देगी, काबर की ब्लॉक में ब्लॉक स्तर में जो होते कांग्रेस के जो अध्यक्ष के पद मिले हैं आप मन ला वो कहीं ना कहीं देखे जाए तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाले पद है जेमा आप मन ला सब कार्यकर्ता मन ला और जितना आप मन के संगठन के लोगन मन है सब ला एक सूत्र में बांध के चलना पड़ते, क्या बोलना चाहिए इसके बारे में आप मन। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोला बनाए गए है ताकि मैं अपन ब्लॉक की जो भी समस्या है ओला समाधान कर सकूं, ओका निराकरण कर सकूं, जो भी समस्या है ओला ऊपर तक के पहुंचा सकूं, और एकर लिए मैं बहुत प्रयास करूं। मोला बनाए गए है कि मोर गांव में जो छोटे से छोटे समस्या है बड़े से बड़े समस्या है ओकर निराकरण बा
मैं हर जो भी गांव के निवासी है या जो भी गांव के लोग बाग मन है ओन करा जाओ मन के समस्या पूछो और समस्या ला निराकरण कोशिश करो निराकरण हो जाए मोर से नहीं हो पाही तो मैं ऊपर पहुँचाऊँ ये बात ला ऊपर पहुँचाए के बाद ये निराकरण ला करूँ और गांव मन के जो सब समस्या दूर कर दूँ। अभी देखा जाए तो आप मन महिला हो के नाते ये ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जब बने हैं तो लगभग लगभग आप मन ला अभी एक साल भी होने वाला है तो ये एक साल के अंतराल में आप मन अपन क्षेत्र में विशेषकर महिला मन पर ताका ऐसे योगदान लेकर के आए हैं जगह से उमल अभी एक उम्मीद जगे ही कि अब हमन के कांग्रेस अध्यक्ष यहाँ महिला है हम हर सुख दुख ला हम उमन करा लेकर के जा सकत हैं और गुहार लगा सकत हैं। तो आप ये बताइए दीदी कि विशेषकर महिला मन पर अभी आप मन का करत हवा। मैं हाँ मोला पार्षद बने डेढ़ साल हो गए हैं और ब्लॉक अध्यक्ष बने अभी मोला दो महीना हुआ है। महिला मन पर मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ ओमन ला ओमन के एक ठोक संगठन तैयार करना चाहता हूँ समूह तैयार करना चाहता हूँ ओमन करा समूह तैयार करवा के ओमन ला ऐसे ऐसे काम देना चाहता हूँ जेकर से ओमन अपन घर परिवार चला सके अपन अपन जो शक्ति है महिला शक्ति है वो दिखा सके अपन कुछ भी समस्या है छोटे से समस्या है ओकर लिए वो दूसर कोई करा हाथ मत फैलाए वो स्वयं के द्वारा स्वयं के अपन मेहनत से वो सब काम ला कर सके ऐसे करके मैं महिला मन के मदद करना चाहता हूँ। बहुत सुंदर बात है आप मन लगातार मेहनत भी करत हो और एक रिजल्ट भी दिखाते काबर की जनता मन खुद बोलते कि हमारे क्षेत्र के जो अध्यक्ष है लगातार हम उनके हर सुख दुख ला सुनते करके हम ये जानना चाहते हैं दीदी कि आप तो पद में आगे हो लेकिन कई बार ऐसे देखा जाते कि जो ज़्यादा गरीबी स्तर के जो जीवन यापन करत है वो मन ये लगते कि हमन के समस्या ला सुन ही द सुन ही कौन काबर की आप मन को हालांकि जनसेवा करे बार ये स्थान में पहुँचे हो लेकिन वो मन लगते कि इतना बड़े पद में है उमान उमन संग कैसे हमन मुलाकात करबो करके तो का कुछ ऐसे हो से कि आप मन खुद अपन समय ला निकाल करके वो मन के घर में जा करके थोड़ा उमन से सुख और दुख ला बांटे की कोशिश करे हूँ थोड़ा सा उगर बारे में बताओ। हाँ ऐसे हुई से ना अभी कोरोना काल के चलते मैं हर घरों घर जाके हर गांव में बलौदेज मनी बलौदा ब्लॉक के अंतर्गत जतका कन गांव है जेमा समस्या मोला दिखीस जेकर घर में खाए पिए के समस्या दिखीस जेकर घर में पहने ओढ़े के समस्या दिखीस मैं सबके साथ मिल के अपन घर परिवार के साथ मिल के अपन स्वयं के मेहनत से मैं जाके आप सबके घर में जाके मैं हाँ राशन पानी पहुँचाए हूँ और जो जो समस्या रही सुमन करा पूछे हों सलाह लिए हों वो सलाह ला मैं करके सबके घर में राशन पानी पहुँचाए हों कपड़ा पहुँचाए हों जिला जिला जे जे समस्या रही सो सबके निराकरण करे हों हमेशा मैं जात रही हूँ एक बार नहीं या कोरोना काल के वजह से नहीं मैं हर हमेशा जाता हूँ हर के सुख दुख में शामिल होता हूँ। बहुत सुंदर दीदी ये देखा जाए तो जो शहरी इलाका है वहाँ तो लोगन मन अपन बेटी बेटा मन ला पढ़ाए बार बहुत कोशिश करते हैं पढ़ते भी कई बन तो ऐसे है कि बाहर भी जाते दूसरे राज्य में दूसरे देश में भी जाते लेकिन हमारे ग्रामीण अंचल में अभी भी एक ऐसे बात हवा कि आठवीं पढ़ लीस हमारे बेटी या दसवीं पढ़ लीस तो वो मन ला लगते कि हमारे बेटी अब बहुत पढ़ लीस अब कुछ दिन में शादी भी कर देते और कई बार तो उम्र भी नहीं हो रहे 18 साल के कम भी रहते उकर बाद भी मन के बाल विवाह कर दिया जाते एकर बारे में आप मन के का सोचे कैसे आप मन वाला रोकता और कैसे मन मार्गदर्शन करता हूँ। जो बाल विवाह कर देते जो आठवीं तक के पढ़ा के लेका मन घर गृहस्थी के काम चूल्हा चौका के काम पकड़ा देते एकर तो मैं विरोध करत हूँ इतना कभी भी नहीं करना चाहिए लड़की मन ला जितना ज्यादा से ज्यादा हो उतना पढ़ाना चाहिए उमन के मन के बात ला समझना चाहिए वही मन कुछ अपन आप ला आगे बढ़ाए के कोशिश करते ओकर लिए उमन ला सहयोग करना चाहिए ओकर घर के माध्यम से ना कि उमन ला ते थोड़ा कन पढ़ तहाँ ते घर बैठ जाए इसे नहीं करना चाहिए। हाँ ओकर लिए मैं सहयोग करता हूँ जितना जो भी जेकर स्थिति परिस्थिति खराब रही थे उमन तक मैं हाँ पुस्तक कापी पेन बैग बस्ता यहाँ तक के फीस अगर उमन जिसे पटाए मन असक्षम रही थे ओमन करा मैं खुद स्वयं से जाके फीस भी पटवाता हूँ बैग के व्यवस्था करता हूँ ड्रेस देता हूँ सब चीज़ का व्यवस्था करता हूँ ओमन के सहयोग करता हूँ और हमेशा करूँ। स्थिति की आप मन बात करत हो कि लगातार उमन के मदद करत रहन करके लेकिन अभी भी कई हमार ब्लौदा क्षेत्र में ऐसे लोगन मन ही जे मन ला हालांकि शासन पति ले तो हर चीज़ मिला थे ओकर लोग लैका मन ला लेकिन उमन के घर की स्थिति ज़्यादा खराब रहते जेकर वजह से उमन ला लगातार दूसरे राज्य में जाकर के पलायन करना पड़ते और पलायन करे के वजह से भी कई बार उमन के वहाँ कुछ भी छेड़छानी भी हो जाते कई बार मौत भी हो जाते तो ये जो पलायन वाला सिलसिला है ये ला रोके बार आप मन महिला हो तो महिला होने के नाते आप मन महिला मन ला कैसे जागृत करते हो
कि रोजगार देना है या मेर कैसे करते हो आप मन? हाँ, ओकर लिए महिला मल्ला एकत्र करके मीटिंग के माध्यम से ओमल्ला समझाया जाते कि आप मन ला ऊपर आना है, आगे बढ़ना है, एकर लिए आप मन ला अच्छा स्तर से पढ़ाई करे पड़ी, जो भी समस्या रही ओकर समाधान के लिए हमन करा अपन बात ला रखा, हमन वो बात ला ऊपर तक के रखबो, और आप मन के जो भी समस्या रही ओला हमन अपन समस्या समझ के ओला हल करके पूरा प्रयास करबो। एकर लिए जतका कन स्कूल बना थे, कॉलेज बना थे, ताकि जो लड़की है, जो महिला है, ओमन आगे बढ़ सके, ओमन अच्छा पढ़ाई कर सके, बाहर निकले मत पड़े, ओमन ला बाहर आने देश विदेश जाए मत पड़े, अपने गांव में सब पढ़ाई लिखाई ओमन के कंप्लीट हो जाए, अब एक शिक्षित बन जाए। ये बताइए दीदी कि लगभग का होते कई बार कि राजनीति क्षेत्र के अलावा आप मन को और कई सा चीज में रुचि रखत हुई है, काबर की राजनीति तो आप मन के पद भी आगे है तो इमा तो आप मन ला हमेशा चल नहीं छे, लेकिन कुछ समय भी आप मन निकालत हुई है और कुछ रुचि है जेमा आप मन के, तो वो रुचि के बारे में थोड़ा बताओ, ऐसे का चीज की रुचि है जेमा आप मन ज्यादा रुझान रखते हो? ए क्षेत्र के अलावा जो राजनीति क्षेत्र है ओकर अलावा मैं हर घूमे फिरे में ज्यादा रुचि रखता हूँ। घूमे फिरे के श्रेय ये नहीं है कि मैं अपन स्वयं के लिए घूम सकता हूँ, घूमे फिरे के श्रेय ये है कि कुछ भी कोनो ला समस्या है ओला लेके मैं हर आगे चलता हूँ, जो भी मंत्री लेवल में जाता हूँ, जो भी कहीं भी जाता हूँ उस समस्या लेके जाता हूँ, तो मोर ओमा घूमना भी हो जाते हैं, ओमन के क्षेत्र ओमन के जो कार्य है ओकर समाधान भी निकल जाते हैं। बिल्कुल दीदी, अभी 8 मार्च के हमन के महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाए जाही ओकर बारे में आप मन के कैसे सोचे, लोगन मल्ला आप मन हमन न्यूज 36 परिवार के कति ले कैसे आप मन का संदेश देना चाहा था, कबर की अभी 8 मार्च के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाबो पूरा सबो जन मिल करके, तो विशेषकर महिला मल्ला आप मन कैसे जागृत करना चाहा था? 8 मार्च के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना थे सबो कोई, हमू मन बलौदा में मनाबो, मैं सब कोई ला सब महिला मन ला एकत्रित होके हमन के बलौदा में जो विश्राम गृह है ओमेर हमन महिला दिवस मनाबो, एमा मैं सब महिला मन ला हमन के बलौदा ब्लॉक के जितना महिला सब ला इनवाइट करत हूँ, इमे ले न्योता देत हूँ कि आप मन भी ओमेर पहुँचिया और सब महिला मन अपन आप ला उजागर करे बर, अपन आप ला आगे बढ़ाए बर, अपन आप ला दृढ़ निश्चय बनाए बर, ताकत लाए बर, बाहर निकले बर पड़ी, घर में ही घुस के रहिया तो कभी कुछ नहीं हो सके, एकर लिए आप मन ला बाहर निकले बर पड़ी, आउ एक सूत्र में बंध के हम सब महिला जैसे पुरुष मन एक सूत्र में बंध के अपन आप ला मजबूत करते, उसने महिला मन हमन सब कोई अपन आप ला एक सूत्र में बांध के अपन आप ला भी पुरुष मन के बराबरी में रख दो, पुरुष मन से आगे बढ़ आगे निकलना है, आगे बढ़ो, काबर की महिला मन जब आगे बढ़ी तो महिला मन चार कति के काम देखते, घर भी देखते, लड़का भी देखी, घर परिवार भी देखी, लड़का भी देखी, और बाहर अपन आप ला सक्षम बनाए बर, अपन आप ला मजबूत करे बर, बाहर निकल के अपन नाम पहचान बनाए। कुल मिला के कहा जाए तो 8 मार्च के महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाए ओला आप मन पूरा अपन क्षेत्र में एक साथ मिल करके मनाना चाहता हूँ। तो दीदी आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मन इतना अपन कीमती समय निकाल करके हमारे स्टूडियो में आए हो और हमारे दर्शक मन से और हमन से गोट बात करे हो, अपन जो क्षेत्र के विकास करे हो उसके बारे में बताए हो, तो संगवारी हो आज के हमारे जो कार्यक्रम रही से नोनी कमाथे नाम वो माँ हमारे बीच में आज संगीता सोनी जी उपस्थित है, जे बताई से कि वह ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ब्लौदा के अध्यक्ष है और लगातार जा जाके लोगन मन के समस्या ला दूर करत है, उमन के हर सुख दुख में भागीदारी हुआ थी। तसंगवारी हो आप बेरा हो गए हैं आप मन से विदा लेहे के, आप मन संग नोनी कमाथे नाम के जो एपिसोड है वहाँ फिर से मुलाकात करबो एक नवा चेहरा और नवा गुड बात के संग में, तब तक आप मन हमला देवा इजाजत और आप मन देखत रहो न्यूज 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़। जय जोहार।